ग्वालियर नगरीय निकाय ने ईडी से स्मार्ट सिटी के कामों की जांच कराकर सुर्खियां तो खूब बटोरी, लेकिन अब इसे लेकर बखेड़ा भी खूब खड़ा हो रहा है। सूबे के सीनियर आईएएस का मानना है कि ये जल्दबाजी में लिया फैसला है, क्योंकि निगम परिषद को ईडी जांच का ऑर्डर करने का अधिकार ही नहीं है, तो वही निगम आयुक्त मुश्किल में है, आखिर करे तो क्या करे। दूसरी ओर एक सीनियर एडवोकेट ने भी स्मार्ट सिटी के कामों के ऑडिट करने की शिकायत ईडी को भेजकर मुश्किलें और बढ़ाती है। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर में सोमवार को हुए नगर निगम परिषद के विशेष सम्मेलन में स्मार्ट सिटी और नगर निगम के कामों की जांच कराने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से परिषद की मोहर लग गई है, लेकिन इसके अंजाम तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। निगम के जानकारों का भी मानना है कि निगम परिषद को ईडी से जांच कराने से पहले जांच के बिंदु तय करना चाहिए, उसके बाद पार्षदों के साथ विशेषज्ञों की समिति बनाकर मामले की जांच कराना चाहिए था। देखिए, सीईओ स्मार्ट सिटी नगर निगम की कर्मचारी नहीं है, इसलिए नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में तो वो नहीं आती हैं। अब नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित कर लिया है, तो एक तरीके से ये सामान्य अनुरोध की तरह माना जाएगा। अब दो परिस्थितियां हैं कि या तो कमिश्नर नगर निगम वस्तुतः कानून स्थिति बताते हुए और नगर निगम और एक्ट वगैरह के बारे में बताते हुए उस प्रस्ताव को वापस कर सकते हैं, और यदि फिर भी प्रस्ताव इसी तरह का रहता है तो फिर उसको निर्णय लेने के लिए शासन को भेज दिया जाएगा, शासन को भेजा जाएगा। और चूँकि स्मार्ट सिटी नगर प्रशासन का के सुपरविजन में उनके कंट्रोलिंग कमांड में काम करती है, तो जो शासन जो निर्णय लेगा वही मान्य होगा, नगर निगम की अधिकारिता में नहीं है। देखिए, भारत सरकार जो भी पैसा किसी भी संस्था को देता है उस संस्था की जांच भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का ईडी द्वारा जांच कराई जाती है। अब लोगों का ये सवाल है कि ये नियम अनुसार है, बिल्कुल नियम अनुसार है, क्योंकि स्मार्ट सिटी नगर निगम के अंतर्गत कार्य कर रही है। नगर निगम में जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता है कि नहीं है, ये तो नगर निगम के पार्षद हैं, आम नागरिक भी इसकी शिकायत कर सकता है। नगर निगम के पार्षद बहुत परेशान थे, चाहे लाइट की समस्या हो, चाहे रोडों की समस्या हो, 500 से 600 करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद शहर उसी स्थिति में है। ये पार्षदों की चिंता थी, पार्षदों ने इस चिंता को लिया और इसकी जाँच के लिए आदेश किए। कुछ ये चीज़ जरूर आ रही है कि कुछ बिंदु बनाने चाहिए थे, इतनी जल्दी में नहीं करना चाहिए था, पर ये एक मुद्दा है। परंतु ईडी को, पार्षदों को पूरा अधिकार है कि जांच के लिए ईडी से आग्रह करें। स्मार्ट सिटी मामले में ईडी की जांच को लेकर निगम आयुक्त से लेकर सब हैरान हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब गेंद निगम आयुक्त अमन वैष्णव के पाले में है। ऐसे में अब आयुक्त परिषद के फैसले को पुनर्विचार के लिए परिषद में ला सकते हैं। पुनर्विचार के बाद यदि परिषद का फैसला यथावत रहता है तो शासन से मार्गदर्शन मांगने के लिए भेजा जा सकता है। इसमें जो परिषद में ये निर्णय लिया गया है, प्रस्ताव एक पारित हुआ है, अभी तक हमारे पास जो लिखित में ठहराव है वो प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही हमारे पास लिखित में ठहराव प्रस्ताव प्राप्त होता है हमें, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956 जो है उसके अनुसार जो भी प्रावधान रहेंगे उसमें जो भी शासन के जो नियम हैं उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे कॉरपोरेशन एक्ट में जो अधिकार हैं वो निगम आयुक्त के पास हैं, तो उनका प्रॉपर लीगल सलाह लेके कि क्या किया जा सकता है। ग्वालियर नगर निगम परिषद की जांच का अब तक क्या हश्र हुआ है? पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता ने प्रोजेक्ट उदय के कामों में गड़बड़ियों की शिकायतों को देखते हुए इसकी जाँच लोकायुक्त से कराने के निर्देश दिए थे, इसमें अब तक कुछ नहीं हुआ। निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में हुई गड़बड़ी मामले की जांच रिपोर्ट को परिषद में आई और ईओडब्ल्यू को जांच का पत्र भेजा गया, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। महापौर स्वेच्छानुदान निधि को लेकर विपक्ष के सवालों के बाद एक दशक पहले इसकी जांच ईओडब्ल्यू से कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। इस मामले को लेकर जिस तरह से भले ही नगर निगम परिषद ने ईडी से जांच कराए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया हो, लेकिन होगा वही जो अधिकारी और शासन चाहेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ईडी से जांच का नगर निगम परिषद का प्रस्ताव केवल प्रस्ताव मात्र बनकर ही रह जाएगा, या फिर मामले में कोई ठोस नतीजा भी सामने आ पाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।